61 62 63 64। अबे जल्दी देख लॉटरी का नंबर लगा के नहीं। 64 पॉजिटिव लगा उस्ताद, एक दाने से मार खा गई। साला दाने की औलाद हमेशा दाने से मार खा जाता है। लॉटरी ही आखिरी सहारा थी। जमीला का 5 लाख का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? एक बहुत बड़ी खबर है उस्ताद। अंदर क्या झांकता है उस्ताद? एक करोड़पति माँ को अपने बेटे की तलाश, जिसके सीने के दाई और गुलाब के फूल जैसा पैदाइशी निशान है। पैदाइशी निशान? आगे पढ़, आगे पढ़। 20 साल पहले श्रीमती राधा प्रताप सिंह के दोनों बेटे खो गए। छोटा बेटा मिल गया, बड़े बेटे की तलाश है। क्या नाम बताया? श्रीमती राधा प्रताप सिंह। श्रीमती राधा प्रताप सिंह, जानता है ये मोहतरमा कौन है? ये वही है ना करोड़ों के रथ वाली। करोड़ों का रथ, सीने पे वैसा ही मिलता जुलता निशान। 5 लाख का कर्जा, माँ को बेटे की तलाश, लालू। 5 लाख का कर्जा, फू, माँ को उसका बेटा मिल गया। मगर उस्ताद तुम उसके बेटे कैसे बन सकते हो? तुम तो मुसलमान हो। अबे क्या हिंदू क्या मुसलमान, अपना तो पैसा है ईमान। करोड़ों का रथ पार कर दूंगा, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा, और उसके बाद जमीला को साथ लेके फॉरेन कंट्री निकल लेंगे। अरे समझ गया भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। मेरी ममता की खोई हुई दोनों आंखें मिल गई। कहीं आज मैं खुशी से पागल न हो जाऊं। मालकन, क्या बात है मुनीम जी? ये आपने कैसे यकीन कर लिया कि वो आपका बेटा है? मेरा दिल कहता है, मेरी ममता कहती है, और ममता को यकीन, विश्वास और सबूत की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं आपके यकीन के लिए बता दूं कि इसके सीने के दाईं ओर वैसा ही पैदाइशी फूल जैसा निशान है जैसे मेरे अजीत के सीने पे था। फिर भी मालकन, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? ओहो, कल छोटा मिल गया, आज बड़ा मिल गया, 2 दिन में दोनों मिल गए, ताज्जुब है। मुनीम जी, 2 दिन में दोनों मिल गए तो आपको ताज्जुब हो रहा है, और जब 1 दिन में दोनों खो गए थे उस रोज आपको ताज्जुब नहीं हुआ? जैसे खो गए थे वैसे मिल गए। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, मुन्ना क्या है माँ? देख तो कौन आया है। कौन आया माँ? तेरा बड़ा भाई आया है। मेरा बड़ा भाई आया? आ ना, ये बाद में खाना। अरे माँ, आ ना, ये देख। ये मेरा छोटा भाई मुन्ना है ना? भैया। मुन्ना? भैया। मुन्ना? भैया। मुन्ना माँ को छोड़ के कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए थे बड़े भैया? मुन्ना, मुन्ना, कमीने, तो आप हैं मेरे छोटे भाई। उसी तरह जिस तरह आप हैं मेरे बड़े भाई। पूछ सकता हूँ यहाँ क्यों तशरीफ लाए हो? उसी के लिए जिसके लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर तुम्हारा पोल खोल दूं तो? आप मेरा पोल नहीं खोलेंगे बादशाह भाई। क्यों? क्योंकि ये जुए का अड्डा नहीं कि पत्ता मेरी जेब में था और पोल खोलने की धमकी देकर मेरा पूरा माल हड़प कर गए थे। आज तुम्हारा पत्ता मेरी जेब में है और मेरा पत्ता तुम्हारी जेब में है। बेहतरी इसी में है कि हम दोनों हाथ मिला ले। हाथ मिलाओ चाहे पाओ, लेकिन एक बात सुन लो, रथ मैं ही लेके जाऊंगा। ये तुम्हारा ख्वाब है, रथ मैं लेके जाऊंगा। रथ कोई नहीं ले जाएगा, मैं ले जाऊंगा। लेकिन सर, उस घर में तो पहले से ही 2 चोर मौजूद हैं। ब्लैक कोबरा को लोग चोरों की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं। जानते हो क्यों? जिस उम्र में बच्चा अंगूठा चूसता है, ब्लैक कोबरा उस उम्र में पुलिस की आंखों से सुरमा चुराया करता था। तो फिर उस बुढ़िया के घर से रथ चुराना क्या मुश्किल होगा? हम चोरी का अंदाज बदल देंगे, लेकिन रथ चुराने का ख्याल कभी नहीं बदलेंगे। क्यों, आज बड़ी शराफत से बात कर रहा है? ओ सेठ जी, पुरानी बातों को भूल जाइए, बस थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मेरा 5 लाख निकालो। देखिए, आप शरीफ आदमी लगते हैं, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। बस समझिए, मैं बैंक में पहुंच गया हूँ, चेक कैश कराना बाकी है। झूले लाल जी, जय बाबा। बाकी किधर है बाबा? समझो तुम्हारा चेक कैश हो गया है। 5 लाख की हकीर रकम के लिए तुम इस आदमी के हाथ पैर पड़ता है, चरिया हो गया है तुम। ये लो बाबा, ये तुम्हारा 5 लाख रुपए नहीं, नरम गरम नोट है, गिन लो बाबा, गिन लो। सेठ,
तुमने हमको 5 लाख रुपया दिया और 5 बोतल अंग्रेजी दारू पिलाई, कहीं मैं हमसे 5 खून करवाने का इरादा तो नहीं? जिनी डार्लिंग, यह आदमी बहुत समझदार लगता है। ये जानता है कि आजकल के जमाने में कोई किसी को चने का दाना नहीं देता और हम तो इसे सोने का दाना दे रहे हैं। ये तो हम समझ गए कोई चक्कर है, लेकिन चक्कर क्या है वो बोलो। देखो, तुम अपनी उस्तादी से मिसेस प्रताप सिंह के घर में पहुंच चुके हो। वहां एक कीमती रथ है, वो रथ मुझे चाहिए। रथ? सेठ, ये रथ की बात करके तुमने हमारे 5 बोतल का नशा एक झटके में उतार दिया। 5 लाख देके 5 करोड़ वसूल करना चाहते हो? कभी कभी 5 लाख की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा होती है। अगर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं देता तो तुम्हारी जबान की कीमत 5 कौड़ियों की नहीं रहती और बादशाह की अनमोल जबान का मोल कोल नहीं देता। अरे बारे सेठ, जेनी डार्लिंग, तुम्हारा सेठ तो सौदेबाजी में बादशाह से भी बाजी मार गया है? ये तो सिर्फ काम की मंजूरी पर हाथ मिलाने का नजराना है। काम पूरा हो जाए मैं तुम्हें मालूमाल कर दूंगा। सारा घर छान मारा लेकिन रथ का कुछ पता नहीं चला। ये मां ने भी कहा? मां का कमरा नहीं देखा। बच्चू चल उधर। शर्म नहीं आती माँ के घर चोरी करते हुए? चोरी? मैंने कौन सी चोरी की? झूठे धोखेबाज, मैं तुझे इस चोरी की ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। आपको गलतफहमी हुई है, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। मैं तुम्हारी तलाशी ले चुकी हूँ और तलाशी में चोरी का माल भी पकड़ा गया है। माल? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुझे कसम है पॉकेट में, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। तो फिर ये शादी कैसे कर ली? शादी? हाँ शादी। अगर मुझे बता देता तो क्या मैं बहू को लाने से इनकार कर देती? बहू? अरे कहाँ की बहू, किधर की बहू, कैसी बहू? किधर की बहू? तो फिर ये कौन है? कौन है? बहू? अरे ओ बहू, आप तो कुछ कहे सुने बगैर ही चले आए, लेकिन मुझे पता चला कि आपको माजी मिल गई है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, मैं इनके यहाँ इनका आशीर्वाद लेने चली आई। इनका घर क्या होता है बहू? आज से तुम्हारा घर है, तू इस घर की मालकिन है और अब मैं तुझे यहाँ से जाने थोड़ी दूंगी। जी, जी। लगता है तू बहू पे बहुत रोक जमाता हूँ। सुना बहू, तू इससे बिल्कुल नहीं डरना। जी जी नहीं डरूंगी। ए, तू खड़े खड़े क्या देख रहा? चल बहू को अपना कमरा दिखा। जाना। आइए कमरा दिखाता हूँ। लगता है आजकल चोरों का भी अखबार निकलने लगा है हिंदुस्तान में। पहले मैं आया, मेरे आते दूसरा टपका, उसके टपकते ही आप आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ किस खुशी में आई हैं? अपनी हार का बदला लेने। मैंने कहा था ना, मैं एक दिन जरूर हार का बदला लूंगी। जरूर लीजिए, मगर ये कोई जरूरी है कि दुनिया भर के सब चोर इसी घर में आ पहुंचे? अरे भाई, दुनिया में बहुत माल वाले आदमी है, किसी और का घर ढूंढो, मेरा यहाँ पत्ता क्यों काटती है? सुना नहीं आपने माँ जी ने क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, यहाँ से जो माल उड़ा के ले जाओगे उसमें तुम्हारा और मेरा आधा आधा। वरना अगर माँ जी को असलियत का पता चल गया तो जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। क्या बोला? कुछ बोला। बात तो तेरी सही है, मियां की कमाई में बीवी का बराबर का हिस्सा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक काम करते हैं, तुम हमें प्यार करती जाओ, हम पूरी कमाई तुम्हारे हवाले करते जाएंगे। क्या बोला?
कुछ बोला। ए दूर दूर दूर, आपन के करीब नहीं आने कहा। दूर क्यों? भगा के तो तुम्हें नहीं लाया, तुमने तो कहा था हम शादी करके आए हैं। अब तू मेरी बीवी, बैदराम मिया, ये कमरा बिल्कुल अकेला, मजा आएगा। अब तुम मेरे करीब आओगे तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुहागरात में अक्सर ऐसे ही होता है, लड़कियां शोर मचाती हैं और लोग बाहर सुन के मजे लेते हैं, और फिर तुम्हारे मेरे तो काफी रिश्ते हैं, प्यार का रिश्ता, शादी का रिश्ता, चोरी का रिश्ता। मतलब? मतलब ये कि मैं मियां तू बीवी, मैं चोर तू चोरनी, मैं मोर तू मोरनी, और मैं तेरी। अभी नहीं, रात भर वहीं पड़े रहो। यू चीटर कॉक, अबे दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं शोर मचाऊंगा। मचाओ मचाओ, खूब शोर मचाओ, सुहाग रात में ऐसे ही होता है, लड़के शोर मचाते हैं और लोग बाहर सुनकर मजे लेते हैं। यार ऐसा मत कर, देख मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे यार दरवाजा खोल देना। मोहब्बत का दम भरते हो तो कुछ करके दिखाओ। अरे मोहब्बत में तो मैं जान भी दे सकता हूँ, लेकिन बाहर या बाथरूम में नहीं। अबे खोल ना यार, अरे मेरे लाल बाउटी फंडूरू, दो दो चॉकलेट खिलाऊंगा। खोल, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अरे खोल देना यार, यहाँ बहुत बास आ रही है। गुड नाइट स्वीट ड्रीम, स्लीप टाइट। अबे कौन है यार? अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ कोई की? बात नहीं, अशोक कहाँ है? हला अशोक, अशोक बेटा कहाँ छुप गया है? अशोक माँ, अरे माँ मैं यहाँ बाथरूम में बंद पड़ा हूँ, माँ दरवाजा खोल जल्दी, माँ, अरे माँ जल्दी। ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद कर रखा है? क्या हुआ था? माँ ये सब इसकी हरकत है, मुझको बाथरूम में बंद कर दिया और मैं रात भर उस सड़ेले संडास में बिना तकिए और चादर सोया रहा। तुम लोगों की नई नई शादी हुई है और झगड़ा भी शुरू कर दिया। किस लोग के पठान ने शादी की है चोर के साथ? क्या हुआ? वो रात भर में टब में लेटा रहा ना, इसलिए वो पांव छटके खा रहा और कुछ नहीं। ये तुम लोगों की शादी चुपचाप हुई थी या लोग भी आए थे? आए थे ना, हमारी शादी में तो पुलिस वाले, हवलदार, इंस्पेक्टर। पुलिस, हवलदार? कहीं तुम लोगों की शादी कोर्ट में तो नहीं हुई? हाँ, इसीलिए झगड़ते रहते हो। क्यों? अगर रीति रिवाज के साथ शादी की होती तो कभी झगड़ा नहीं होता। ये तो बराबर है। अब मैं सारी रस्में पूरी करती हूँ, फिर देखना सारी उम्र प्यार करते रहो। ऐसा क्या?